मॉर्निंग गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी आपकी दुआओं की वजह से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पे सुबह का आगाज़ करते हैं और ये मैं बना रही थी नाश्ता। नाश्ते में मैंने बनाया था आलू फ्राई, क्योंकि अंडे खा खा के बस दिल भर गया है, तो इसीलिए आज आलू फ्राई किए थे। उसके बाद ये पराठे बना रही थी और चाय भी साथ साथ रखी थी मैंने, ताकि चाय भी बन जाए और फिर करेंगे साथ मिलके सब बैठ के नाश्ता। सुबह के 8:30 हो रहे थे यहाँ पे और अभी चाय भी मेरी हो गई है रेडी, तो बस इसको निकालूंगी और उसके बाद करेंगे साथ बैठ के नाश्ता। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा नाश्ता ऑलमोस्ट हो गया था डन। उसके बाद बस लग गई थी बेड भी सफाई के काम से। यहाँ पे डस्टिंग वगैरह मैंने कर ली थी, बेडशीट भी सीधी कर ली थी। उसके बाद ये झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू के बाद लगाएगी पोछा। तो उसके बाद बस फिर हम बनाएंगे दोपहर का खाना। तो आज दोपहर के खाने में बनाते हैं साग। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। साग बनने पे मैंने रख लिया था और यहाँ पे मेरी भाभी आटा गूंद रही थी चावल का डोसों के लिए। तो हम साग के साथ डोसे खाएंगे तवे पे पका के। तो वो उसका आटा जो है ना, थोड़ी देर पहले गूंद के रख देती है, तो वो उससे बहुत ज़्यादा यम्मी जो है ना डोसे बनते हैं। और यहाँ पे साग भी मैंने बनने के लिए रख लिया था, अभी बस 5 मिनट में हो जाएगा ये रेडी। तो ये हो जाए रेडी तो आपको दिखाती हूँ। तो बस फ्रेंड, वहाँ पे साग बन रहा था और यहाँ पे मेरी अम्मी कुरान पाक पढ़ रही थी। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे धूप के आगे खड़ी थी, तो ये मेरे जो है ना कपड़ों पे मिरर्स लगे हुए थे जो सिंधी बर्थ पे होते हैं, तो वो जो है ना धूप की तरफ मैं खड़ी थी। तो ये सारे जो है ना ऐसे छत पे और दीवार पे निशान बन रहे थे मिरर के, तो वो बच्चों को भी मज़ा आ रहा था, मुझे भी मज़ा आ रहा था, देख रही थी बार बार। उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी रूम में देखने के लिए कि सफाई सही हुई है या नहीं हुई है। उसके बाद थोड़ी देर के लिए मैं लेट गई थी, फिर मुझे याद आया कि मुझे आज बनाने हैं लोटस की रेसिपी, तो मैं चली गई फिर लोटस बनाने। तो यहाँ पे मैं ये खट्टे भी बना रही थी, जैसे शादियों में भी बनते हैं। तो यहाँ पे मैं करूँगी कटिंग अदरक और लहसुन की, इसकी पेस्ट बना के रखूँगी साइड पे। अभी थोड़ा सा ऑयल डाल के टमाटर डाल दिया है, तो इसको जो है ना गलने के लिए छोड़ दूँगी, तब तक ये मैं जो है ना कर लूँ इसका पेस्ट। टमाटर मेरा थोड़ा सा गल गया है, उसके बाद अभी मैं इसमें डालूंगी ये पेस्ट प्यूरी जो बन गई है अदरक और लहसुन की। तो अभी इसको डाल के थोड़ी देर और भूनूंगी और मसाला वगैरह जो भी बेसिक सा है। इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक, फिर आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, क्योंकि हम इतना नमक में तेज़ नहीं खाते हैं, तो मैं नॉर्मली रखूँगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। इसके बाद इसको करूँगी मिक्स। मिक्स करने के बाद इसमें डालूँगी लोटस और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे जीरा भी ऐड किया था। और फ्रेंड्स, ये देखिए लोटस जो मैंने कल काटे थे और कल ही मैंने बॉयल करके फ्रिज में रख दिए थे, तो आज आसानी है, बस झटपट से डालूंगी और बन जाएंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं चिकन मसाला भी डाल रही हूँ इसमें, तो अभी थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया है, ताकि जो है ना ये मसाला भी पक जाए अच्छे तरीके से। उसके बाद इसमें अभी डालूंगी लोटस, तो इसको अभी थोड़ी देर के लिए भूनूंगी, उसके बाद इसमें डालूंगी दही। तो
देखिए फ्रेंड्स, इसका पानी जो है ना सूख गया है, बस तकरीबन थोड़ा सा ही बचा है। अभी इसमें से इसको जो है ना थोड़ी देर और पकाऊंगी और इसका बस ऑयल निकल आएगा, तो उसके बाद ये इसका आंच बंद करूंगी और करूंगी इसको डिश आउट, तो आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, फाइनल लुक इसका कितनी मज़े के लग रहे हैं, यमी यमी। तो बस यहाँ पे फिर हम खाने के लिए बैठ गए थे। दोपहर का खाना हमारा बन गया था, उसमें हमने बनाई थी पली और साग, उसके साथ ये लोटस भी बनाए थे चटपटे, और ये पुप्पो के घर से आई थी मटर की पली, तो ये भी मैं टेस्ट कर रही थी, बहुत ही यमी बनी थी। खाना मैंने खा लिया था, उसके बाद ये पी रही थी मैं कहवा, और यहाँ पे आती है धूप, तो मैं धूप की जगह पे आगे बैठ गई थी कहवा लेके, तो मैं कर रही थी अपना कहवा एंजॉय। उसके बाद यहाँ पे आ गई थी ये दूध और जो है ना मलाई, ये हमने रखी हुई थी कुछ दिनों से, तो आज उसका दही डाल के जमाएंगे उसको। उसके बाद कल इसका निकालेंगे मक्खन, तो ये उसका जमाने के लिए इसमें दही डाल के रखेंगे पूरी रात के लिए। उसके बाद जो है ना कल इसका जो मक्खन निकलेगा, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी कल वाले व्लॉग में। शाम की चाय बना रही थी, उसके बाद मेड ने सारे बर्तन साफ़ कर लिए थे, तो मैंने वो किए अपनी अपनी जगह पे सेट। उसके बाद यहाँ पे हो गई थी फ्रेंड्स शाम, तो मैं ये दरवाज़े बंद कर रही थी और लाइट्स वगैरह जला रही थी, अंधेरा होता जा रहा था, तो यहाँ पे मैं बाहर की भी लाइट जलाने गई थी और अंदर की भी जो है ना लाइट जलाई थी। तो उसके बाद ये वो खिड़कियाँ वगैरह है, दरवाजे, वो बंद करूँगी, सर्दी भी है रात को और मच्छर वगैरह भी आते हैं, तो इसीलिए दरवाज़ा भी बंद करूँगी, खिड़कियाँ भी बंद करूँगी शाम के टाइम पे, और जलाऊँगी मैट। तो वो मैट को मैंने कह दिया है कि मैट जला दे, तब तक वो रखूँगी रूम में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हो गई है बिल्कुल शाम, तो अभी बंद करते हैं ये खिड़कियाँ, वरना अगर नहीं बंद करते हैं, कभी कभी लेट हो जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा मच्छर आ जाते हैं। ये मैट भी यहाँ पे ये मच्छर की जो है ना जलेबी जला रही थी, और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने खिड़कियाँ और दरवाजे बिल्कुल बंद कर दिए हैं। अभी ये लेके जाऊँगी अपने रूम में और वहाँ पे रखूँगी, क्योंकि रूम में रात के और शाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा मच्छर होते हैं। और उसके बाद शाम की चाय बन गई थी, तो मैं लेने गई थी अपनी चाय, और मैं करूँगी बैठ के अपनी चाय एंजॉय। चाय भी मैंने पी ली थी, उसके बाद फ्रेंड्स आ गया था दूध, तो यहाँ पे मैं कर रही थी दूध गरम और मेरी बहन बना रही थी पली। तो हम बहुत ज़्यादा शौकीन हैं साग और पली के। जब इसका आता ही सीज़न सर्दियों में 1 या 2 मंथ के लिए होता है बस ये, उसके बाद इतना नहीं होता, तो अभी ये बना रहे हैं हम पली। और यहाँ पे मेरी सिस्टर आई थी मुझसे पूछने के लिए कि टेस्ट करके बताओ कि नमक में तेज़ है या नॉर्मल है या डालना पड़ेगा, तो मैं उसको बता रही थी कि बिल्कुल ये सही है, बिल्कुल उसमें कोई ज़रूरत नहीं है नमक डालने की, और बिल्कुल परफेक्ट है। और यहाँ पे ये बटर वगैरह उसने जो है ना डाला है, हमने ये पहले निकाला था बटर, और जो आज रखा है वो कल निकालेंगे, तो वो आज वाला कल आपको दिखाऊंगी कल वाले व्लॉग में इंशाल्लाह। पली हो गई थी हमारी रेडी, ये रात का खाना है, रात के 9 बज रहे थे और हम पली के साथ चावल की रोटी खा रहे थे। पली
बेस्ट फ्रेंड खाना खाने के बाद बाहर ही बैठे थे काफ़ी टाइम, अभी 12:30 हो गए थे, बहुत टाइम हो गया था। उसके बाद यहाँ पे लगाने लगे थे हम बिस्तर, और हमारे बिस्तर लग चुके थे तो हमारी हो गई थी बस यहाँ पे गुड नाइट। तो उम्मीद है कि फ्रेंड्स आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।